हमारे लिए आज बहुत ही सौभाग्य की बात है कि प्रभु के प्रिय दास भाई परमजीत सिंह अपने परिवार के साथ हमारे बीच में है। और इससे पहले कि हम उनके द्वारा वचन को सुने, मैं चाहता हूँ कि उनकी प्रिय मम्मी मिसेस जोगिंदर कौर हमारे बीच में आ जाएं, बुजुर्ग आ जाएं। और सचमुच में मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिसने एक ऐसे बेटे को जन्म दिया जो आज दुनिया में जाकर परमेश्वर के वचन को लेकर जा रहा है। हम उस माँ के लिए ताली बजाएं। सचमुच में आप धन्य हैं जिन्होंने एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया जो आज उस कांधे पर प्रभु यीशु मसीह के बोझ को लेकर जा रहा है। अद्भुत अद्भुत चीजें होती हैं। अभी मैं इलाहाबाद गया था, वहां पे मेरे को कुछ थी और फिर वहां पे मेरे को यीशु दरबार में उन्होंने बुलाया। तो वहां पे मैं गया था तो बड़े बड़े चमत्कार हुए वहां पर। मैं मेरे एक मित्र हैं पास्टर मोर, जो मेरी मिनिस्ट्री में पास्टर हैं अभी परमजीत सिंह मिनिस्ट्री में, उनके घर पे मुझे एक शख्स मिले और वहां पे भी मैं पहुंचा ही था तो उन्होंने कहा भैया इनको ब्रेन ट्यूमर है और इनको हिप जो है इनकी रिप्लेसमेंट के लिए इंडिया आए हैं, एक ब्रेन ट्यूमर कैंसर और दूसरा हिप रिप्लेसमेंट। तो मैं प्रेयर करके वहां से निकल गया। बहुत चमत्कार अलाहाबाद में किए। वो जब आए थे तो वो व्हील चेयर में आए थे लंदन से, तो मुझे खबरें मिल और डेल ने उनको उठा के बिस्तर पे रखा था और उनके कपड़े बदले थे। मैं आपको प्रभु यीशु की महिमा का आपको मालूम यह देना चाह रहा हूं कि वो आदमी जो लंदन से ब्रेन ट्यूमर के साथ और हिप रिप्लेसमेंट के लिए आया था, उस आदमी को मैं बोलता हूं कि वो भागता भागता मेरे पास आए आहिस्ता से, कहां है वो? वेयर इज यस हियर ही कम्स, दिस इज अ मैन, बी केयरफुल बी केयरफुल, दिस मैन हैड कैंसर, दिस मैन हैड ब्रेन ट्यूमर, carefully up, he could not walk, he was booked for replacement of his hip. Just tell us what happened to you, because I also left you and just in very short, what was wrong with you and what happened to you? I am perfectly well and I will not be having any tumor operation or will not be having any hip operation. Praise to our Lord. At this stage, I could also tell you that there are my medications. I came with 2,000 pounds worth of medication from there for this 5 weeks holiday, which painkillers were so hard. I was taking 1,000 milligrams of painkillers, 1,000 in the afternoon, 1,000 in the morning, and 1,000 at night. I do not take a single tablet. Amen. At this stage. The point I want to make to you, my friends, is, which I say in most cities of the world, for Jesus, healing a cold and the cancer is the same thing. Thank you, my friend. God bless you. Thank you. So John 17 and verses 1 and 2 say, योहन्ना उसका 17 अध्याय और उसकी एक और दो आयत में लिखा हुआ है, Father, the hour has come to glorify your son, that your son may glorify you. यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे। As you have given him authority over all flesh, that he should give eternal life to as many as you have given him. क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वह अनंत जीवन दे। यहां जो ये बात हो रही है, ये अथॉरिटी आदमी तक नहीं है, यहां ये अथॉरिटी यीशु तक है। यहां बोला जा रहा है कि प्रभु जो तूने मुझे ताकत दी है, जो मुझे अथॉरिटी दी है, उसकी वजह से मैं दुनिया को जो है आनंद काल का जीवन दे सकता।
तो अब ये अथॉरिटी किसके पास है? ये अथॉरिटी यीशु के पास है। जब तक ये यीशु के पास है और पिता के पास है, हमारे पास नहीं है, हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्योंकि आपकी स्टैंडिंग राइट नहीं है प्रभु से, आपके दिल में डाउट आता है, डाउट आता है तो पावर अथॉरिटी कम होती है। अगर आप जिस घर में रहते हैं वो सोचने लगे आप ये घर एक्चुअली मेरा है या मेरा नहीं है, तो आपको कोई दिमाग आपका खराब करके आपका घर आपसे छीन के ले जाएगा। जब तक प्रभु यीशु में आप ये मानेंगे नहीं कि उसके नाम में पूरी शिफा, पूरी ताकत, पूरी अथॉरिटी है, जब तक आप ये बात समझेंगे नहीं कि उसने आपको ताकत दी है हर बीमारी, हर शैतानी ताकत से ऊपर आने के लिए, जब तक आप उसके नाम को अपने पेट में, अपनी हड्डियों में, अपने दिमाग में, अपने बाल में, अपने दांत में नहीं बजाएंगे, तब तक आपको समझ नहीं आएगी कि प्रभु यीशु की अथॉरिटी क्या होती है। तो अपने दिलों से डर, शंका, भय, ये तीन सांप निकालिए। होएगा कि नहीं होएगा? होएगा, डेफिनेटली होएगा, कोई शक नहीं है कि नहीं होएगा। अगर आप थोड़ा सा भी शक करेंगे तो वो शक आपके मिरेकल के बीच में आता है। द डाउट कम्स इन द मिडल ऑफ योर मिरेकल। डू यू अंडरस्टैंड दैट? आपका शक जो है, जो आप परमेश्वर से अद्भुत कार्य, चमत्कार को ग्रहण करने जा रहे हैं, उसके बीच में रोड़ा बन जाता है, रुकावट बन जाता है। Now I want to tell you something. Why the authority gets lost? और अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अधिकार जो है क्यों हमसे ले लिया जाता है, हमारे पास से चला जाता है। And why some people say that scripture, Jesus will say that I don't know you. और उस सुसमाचार को हम जानते हैं जबकि यीशु मसीह हमसे कहेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। नहीं नहीं, जब एक स्क्रिप्चर है जब प्रभु बोलता है मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ, क्यों होता है? एक जगह लिखा हुआ है यीशु मसीह से लोग कहेंगे प्रभु प्रभु मैंने तेरे लिए ये किया वो किया, प्रभु कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, तो ऐसा क्यों होगा? जॉन 13:34-35, मार्क इट इन योर बाइबल। यूहन्ना 13 और उसकी 34 और 35 आयत, इसको अपनी बाइबल में अंडरलाइन कर लीजिए या रंग लीजिए। यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड डिसाइपलशिप, अंडरस्टैंड डिसाइपलशिप नाउ। अगर आप शिक्षा के बारे में या चेले के बारे में, शिष्य के बारे में कुछ समझना चाहते हैं तो इस बात को समझे। इट सेज हियर, अ न्यू कमांडमेंट आई गिव यू दैट यू लव वन अनदर एज आई हैव लव्ड यू, लव वन अनदर। या लिखा हुआ है मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। The next verse is a revelation, very simple. It says, by this all will know that you are my disciples if you have love for one another. You will not be known as the disciples of Jesus by sign, wonder and miracle. You will not be known as the Jesus disciple by doing the spreading the gospel throughout the earth. You will not be known as the disciple of Jesus that working all your life fasting, praying. You will only be known as the disciple of Jesus who belongs to him if you love each other. Let that sink in. और यहाँ पे अगली आयत में लिखा हुआ है यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। लोग आपको इस वजह से नहीं यीशु का शिष्य जानेंगे अगर आप चिन्ह और चमत्कार दुनिया भर में करेंगे। लोग आपको इस वजह से शिष्य नहीं जानेंगे अगर आप परमेश्वर के सुसमाचार का सब जगह प्रचार करेंगे या उपवास करेंगे या कोई और कार्य करेंगे। लेकिन यीशु मसीह के लोग आपको जानेंगे कि आप यीशु मसीह के शिष्य हैं तब जब प्रभु का प्रेम आपके अंदर दिखाई देगा। That is why I am talking to churches around the world. It is time to grow up. और इसी वजह से अब ये मैं अब कलीसियाओं से बात कर रहा हूँ कि अब वो समय आ गया है कि अब आप मानसिक और आत्मिक रूप से गंभीर हो जाएं या बढ़ जाएं। I looked after my church is not going to work anymore. God is going to say the full body is my church. Why do you say only you are my body? Only you are my body? Or only you are my body? Where is my leg? Where is my arm? Where is my nose? अगर हम आज
एक दूसरे की तरफ मुड़ के एक दूसरे को दिल से बोल सकते हैं कि मैं तुझे यीशु की मोहब्बत से प्यार करता हूं, और हम दुनिया को बाहर जाके बोल सकते हैं, प्रभु यीशु सारे दिन बिलीवर्स में नहीं घूमते थे, प्रभु यीशु सारा दिन अनबिलीवर में घूमते थे और उनको अपनी मोहब्बत के बारे में बताते थे। अभी हमारे को भी उस जगह पे वापस जाना है, सबको मिलके वापस जाना है। पर मैं आपको इतना बोल रहा हूं, अगर उस मोहब्बत पे पहुंचते हैं जो प्रभु यीशु ने लाजर से करी, जब वो चार दिन का मरा हुआ आदमी पड़ा हुआ था और वो रोए उसके कब्र के बाहर जाके, क्योंकि उनको पता था कि लोग मानते नहीं हैं, वो मोहब्बत मरे हुए लाजर के पास उनको चार दिन के बाद लेके गई, और वहां उसको बोला गया कि उसकी बास आ रही है, उनकी बदबू आ रही है उसकी टूम से, लेकिन वो बदबू के स्पाइट इन स्पाइट ऑफ द स्टिंक ऑफ लाजरस ही वेंट टू लाजरस, इवन बिकॉज इन स्पाइट ऑफ द स्टिंक ऑफ द वर्ल्ड यू हैव टू गो टू द वर्ल्ड। और जबकि लाजर के पास से बदबू आ रही थी क्योंकि उसके उसको मरे हुए चार दिन हो गए थे, सड़न थी, फिर भी प्रभु यीशु मसीह मोहब्बत में होकर उसके पास गया है, इस गया था। इसी तरह हमको भी उस दुनिया में जो कि सड़ रही है, अपने वहां पर जाना है, सुसमाचार ले जाना है, हमारे को जाना है। वी हैव टू गेट ओवर द लिटिल स्टिंग्स ऑफ लाइफ, लिटिल इनकन्वीनियंसेस ऑफ लाइफ, लिटिल दिस एंड दैट ऑफ लाइफ, हमारे को जाना है, हमारे को जाना है, जाना है। और जैसे प्रभु यीशु ने लाजर को बोला, लाजर बाहर आ, लाजर बाहर आ गया। उसी तरह हमें भी बहुत सारे लाजर कब्रों से बाहर निकालने हैं, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, अभी प्रार्थना be upon you. Jesus' name. Touch. Sirf tere liye touch. Yesu tere liye main साल से पेट में अल्सर था, जलन होती होती थी, इलाज कराया, आज ये बता रहे इन्हें बहुत आराम है और इन्हें पूरी तरह चंगाई मिल गई। 24 years ulcer is gone in the name of Yeshua। क्या तकलीफ थी? अल्सर था मेरे को और मैं रेंटेक और उमेज खाता के परेशान था। अरे वाह। लेकिन मुझे आज अभी एहसास हुआ कि मेरे अंदर से वो सब ठीक हो गया। Thank you, Jesus. I give you praise and glory. Father God, thank you, Lord. Thank you. A million thanks. Touch.
बताइए पास्टर साहब, इनको ये बहन को 3-4 महीने से बाएं पैर में बड़ी तकलीफ होती थी और जलन महसूस होती थी। ये चलने में बहुत दिक्कत होती थी। आज बता रही कि जलन एकदम खत्म हो गई है बाएं पैर में। मैं कैसे मानूं? मेरा हाथ पकड़ी जरा थोड़ा सा और मेरा भागिए थोड़ा। हालेलुया, आई 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 आई, जोर से ऐसे थोड़ी ना, आई आई जोर से ऐसे ऐसे, आई आई आई, इधर आइए। कोई दर्द नहीं? कोई दर्द नहीं है। क्या? और मैं बैठ नहीं पाती थी, बहुत दर्द होता था। और अभी एकदम से मेरे को महसूस हुआ, मेरे दर्द सारे चले गए, मैं बैठ गई और मैं एकदम से मेरे बैठ के दिखाइए और खड़े होके दिखाइए। Hallelujah! She could do that. Father God, give you praise and we give you glory, Lord. We give you praise and we give you glory, Lord. We give you praise. Touch. Give a glorious clap offering to the Lord. God is healing His people. God is healing His servants. Thank you, thank you, thank you. Pastor, this lady is a Punjabi. Yes, Sansiga. Her husband is an employee in the hotel where you are staying. Oh, lovely. और इनके हस्बैंड को पता चला, वो वहाँ कार करते हैं जिस होटल में आप रुके लीव रेडियन में, और वो सुन के आज आई है। 18 साल से अस्थमा था, बहुत इलाज कराया था, अभी कह रही चल के भी देख लिया है, बहुत आराम हो गया। और मेरा बड़ा जबरदस्त दरबार है होटल का, वो तेरी वोटी ठीक करती रब ने। Oh Father God, we give you praise. God bless you. God bless you. God bless you. Father God, in the name of Jesus. The power of the Holy Ghost. Touch him, Father God. Touch in the name of Jesus. Give a glorious clap offering to the Lord. God bless, God bless, God bless you, God bless. Aja. Yes. Hallelujah. 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 She's under Sajale? No. No. 18 years of asthma gone just like that. Father God, thank you. Touch. Fire the Holy Ghost. ये बहन जी आज पहली बार यहाँ आई है। ये प्रभु के पास आना चाहती थी, लेकिन शैतान इनको पिछले एक साल से रोक रहा था, और इनको लगता था कि कुछ ऊपरी चक्कर इनके साथ, बहुत परेशान रहती थी, बहुत भारीपन था। आज ये पहली बार आई है और प्रभु की आशीष, प्रभु का वचन इनके अंदर गया और इनको लग रहा मैं एकदम हल्की हो गई हूँ। हालेलुया। बिहार से है, इनको डॉक्टर ने बताया कि ब्लड कैंसर है, और साथ में इनकी ट्यूमर था, यहाँ स्प्लीन पे, स्प्लीन पे ट्यूमर था, बहुत बड़ा हुआ था। ये इनका एम्स से ऑलरेडी ट्रीटमेंट चल रहा है, कॉलेज से, और अभी कह रहे हैं कि स्वयं में महसूस कर रहे हैं कि एकदम दब गया है, गायब हो गया है ये। एक मिनट इधर आ मेरे भाई, कैसे तेरे को मालूम कि अंदर चला गया? कितना भार था? बहुत। You see, just touch and see here, it is as flat. Anybody wants to touch, anybody come and touch here. Hallelujah, I'm telling you. Hallelujah. Thank you, Jesus. I give you praise. Yes, what happened? Pastor, this sister was sitting in the balcony. Yes. Lot of family problem and she's suffering from depression. Yeah. The moment you looked that side and said, touched her, she felt free. She's feeling delivered and she's feeling happy now. Depression is gone. Thank you, Jesus. May the depression never come back. May the depression never come back. Never come back. Fire in Jesus' name. एक साल पहले इनका रोड एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें इनको इनकी पूरी चेस्ट बता रहे कि पूरा एकदम इंजरी हो गई थी। इस कदर इनको दर्द होता था कि ये 5-5 दिन तक सो नहीं पाते थे, और बहुत इलाज कराया, कोई फायदा नहीं हो रहा था, कोई भी दवा इनको असर नहीं कर रही थी। ये लास्ट ईयर सेंट कोलंबस में जब पास्टर आप आए थे, वो उस समय पे आए थे, उसी समय इनको हीलिंग मिल गई थी, लेकिन बोल रहे थे कि इतनी ज्यादा भीड़ थी कि मैं पास्टर के पास पहुंच नहीं पाया, और आज मैं आया हूँ प्रभु को गवाही देने के लिए। हालेलुया। 3 महीने पहले हील्ड आज भी पहुंच ही नहीं सका स्टेज पे मेरे पास, चलो आज पहुंचा।
Father God, thank you for this healing. A million thanks, Lord. A million thanks. पास्टर ये बहन ये हमारी हिंदू बहन है और इनके दाएं हाथ में काफी दर्द रहता था. डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर कुछ बताता नहीं था लेकिन दर्द बना रहता था. अभी ये हाथ चला के दिखा रहे हैं क्या ये दर्द गायब हो गया. चलाइए, एक दो तीन चार पाँच छह सात. हालेलुया. ये दूसरी बहन है, ये इनको भी डिप्रेशन था, फैमिली प्रॉब्लम्स और भी कई रुकावटें. जब से प्रार्थना हुई आपने वर्ड दिया है, आराम महसूस कर रही, कह रही मेरे जीवन में आज काम हुआ है. अरे थैंक यू, थैंक यू Jesus, take it. तीन दिन पहले इस भाई को पैर में चोट लग गई थी, पैर उड़ गया था, बहुत ज्यादा स्वेलिंग थी, बोलना बहुत दर्द हो रहा था, तीन दिन से कंटिन्यू दर्द हो रहा था. आज ये वहाँ जब यहाँ आया उस समय भी काफी सूजन थी और बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन अभी बोलना सूजन का तो एहसास ही नहीं, दर्द न जाने कहाँ चला गया. ये बच्ची देखिए अभी भी अंडर एनॉइंटिंग है. ये बोल रही कि मैं प्रभु से सामर्थ मांगती थी और आज जब यहाँ पे आई हूँ तो मुझको मेरे अंदर प्रभु ने अपनी सामर्थ भर दी है. This is a youth from this church. Yes. And a word of knowledge came. Yes. किसी को चक्कर आता है. ये भाई चर्च में दो तीन बार इनको चक्कर आ गया और ये आईसीयू में अपोलो में दो बार एडमिट हो चुके हैं. आईसीयू में जी हाँ. और अब ये कह रहे हैं ये बिल्कुल आराम लग रहा है. तीन साल से इनकी रीढ़ की हड्डी में बहुत जबरदस्त दर्द था. ये बोल रही कि चलना भी दुभर था, बहुत तकलीफ होती थी और अभी ये इस समय यहाँ पे खड़ी हुई है, ये चल भी रही है, बोल रही कोई दर्द ही नहीं हो रहा है. कैसे मानू, एक कितने साल से था मेरी बहन? 2 years से मेरे को. हाँ जी, मैं मेरे को यकीन नहीं है एक्चुअली. मैं मेरे सामने से मुझे ऐसा लगा कि कुछ गया है. ऐसे करिए, नीचे अभी ऊपर जाइए, अभी नीचे जाइए, ऊपर जाइए एक बार और. She's healed good. Jesus' name. Thank you, Jesus. बच्चा छोटा है, बचपन से ये चल नहीं पाता था और माँ बता रही कि अब हाथ पकड़ लो तो खुद चल रहा है. चल देखिए, चल चल के दिखा बेटा, कब आ जा, कब 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 आ जा. लुक एट द मदर, लुक एट द मदर, लुक एट द मदर. इस दैट्स व्हाई आई लव जीसस. दैट्स व्हाई थैंक यू फादर गॉड. मेरा हाथ दो, आ जा बेटा, आ जा. One, two, आजा, 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 आजा. मेरे को देख, मेरे को देख, मेरे को देख. ये पूरा चलेगा, 100% चलेगा मेरी बहन. यीशु मसीह के नाम से. Father God, I pray, Lord, complete healing to flow, Father God, in Jesus' mighty name. Amen. Now, catch the boy. You catch. Come here, mother. छोड़ दो. आप इधर आओ. His brother is crying. Just look at him. Just look at him, he can't believe it. He's the brother, he's crying seeing his brother walk. Isn't that so wonderful? Isn't that so wonderful? Father God, I pray. Touch. Bless, bless, bless. God bless, God bless. Yes. पास्टर, एक साल पहले इन बहन की शादी हुई थी और बता रही थी शादी के बाद से इनको लगता था कि इनके ऊपर कुछ ऊपरी चक्कर है. बहुत परेशान रहा करती थी, बहुत डिप्रेस रहा करती थी. आज जब यहाँ आई उस समय भी ये बोल रही कि मुझे मैं शून्य, मुझे कुछ एहसास नहीं हो रहा था कि मैं क्या हूँ, कहाँ हूँ. लेकिन अभी प्रार्थना होने के बाद इनको अपने अस्तित्व की पहचान हुई, इनको लगा कि मैं कुछ हूँ और इनको लगा कि मैं जो भी कुछ ऊपरी था सब कुछ निकल गया. हालेलुया. This woman had lost her mind, she just got it back. You understand this? This woman had lost her mind, she just got it back. She just got it back. It's as simple as that. She'd gone nuts. Touch. Father God, in the name of Jesus, Father God. Thank you. पास्टर, ये
ये भाई को बचपन से एस्थमिक प्रॉब्लम थी, सांस चढ़ता था। ये पीछे खड़े हुए थे, इनके एकदम से शरीर हिलने लगा, ये गिर गए, कह रहे मुझे पता नहीं। जब उसके बाद उठे हैं, इनको आराम महसूस हुआ, इनको वहां चला के देखा गया, कह रहे मुझे बहुत आराम है, बहुत इलाज कराया मैंने। तुम ही लोग हो मेरे भाई अस्थमा से, कितने साल से था? बचपन से था जी। बचपन से अस्थमा? He fell down right behind over there. छाती बहुत भारी भारी रहती थी। छाती बहुत भारी भारी रहती थी। Right there from childhood he had asthma. मैं नीचे गिरा तो मेरे को आराम सा मिला थोड़ा। He fell down under the anointing and got healed. बचा लिया। Thank you, touch. Thank you, Lord. I give you praise. I give you praise. Yes, tell me, Pastor. Yeah. पिछले 5 साल से इनको हार्ट डिसीज थी। ये बोलने बहुत सारा इलाज कराया, बहुत मेडिकल में पूरा चेकअप, हार्ट सर्जरी की नौबत आ गई थी और बोले कि सांस लेने में तकलीफ होती थी और अभी यहाँ आए हैं, कोई तकलीफ नहीं है, सांस भी खुल के ले रहे हैं, दर्द भी गायब हो गया। एक पॉइंट ऑफ नॉलेज आया था कि किसी की नाभी ठीक हो रही है। नाभी, नाभी। 19 साल से नाभी में दर्द रहता था, जब भी खाना खाती थी परेशानी होती थी, बहुत इलाज कराया, आज कह रही जब वचन बोला जा रहा था तो चंगाई मिल गई। Never. This is a huge, huge healing than you can ever imagine. This woman has been saved from death. आपको मौत से प्रभु ने बचाया। Thank you. Touch. Jesus. Yeah. एक प्रभु ने एक बहन की आंखों में रोशनी दी। पास्टर, ये बहन जब 1.5 साल की थी, इसकी दाई आंख से दिखाई नहीं देता था, बिल्कुल नहीं दिखाई देता था। ये अपने सामने खड़ी हुई दीपा, हमारी दीपा को नहीं देख पा रही थी। दीपा को नहीं देख पा रही थी? अच्छा, ओके। दीपा को नहीं देख पा रही थी और अभी ये मेरी उंगली को भी देख ले रही है। मैं कैसे मानू? मैं देखूंगा। अपने आप बंद करो एक आंख है, बंद हो गई ना। अभी मेरी नाक पकड़ो, 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 आओ, पकड़ो, 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 आगे आओ, पकड़ो, कहाँ है मेरी नाक? Her vision is being healed as she is on the stage too. Thank you, Lord. Touch. I give you praise. I give you praise. ये माता जी को गाउट का प्रॉब्लम था, गठिया था, हाथ पैरों में, जोड़ों में इलाज बहुत कराया, आज कहती है कि कोई दर्द नहीं है बॉडी में। अरे प्रेज गॉड, थैंक यू टच, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। पास्टर, ये बहन बचपन से अस्थमा की पेशेंट थी, इनकी सांसें बहुत फूलती थी, अभी बोल रही कोई सांस नहीं फूल रही, फूलेगी भी नहीं। फायर ऑफ द होली गॉड। You know, which church? Which church? कौन सा चर्च? जाति चर्च? हैं? First time she's come and she got healed. She never doesn't go to church. She got healed. Yes. एक साल से कान में तकलीफ थी, कान के पर्दे में छेद हो गया था, कान बहने लगा था। आपने कहा कि यहाँ लोगों को चंगाई मिल रही है, जब आई थी कान में खुजली भी बहुत हो रही थी, आप कह रही चंगाई मिल गया। Thank you. Touch. पास्टर, आज का सबसे पहला वर्ड हीलिंग का, किसी के नाभि में तकलीफ है, आपने बोला था कि ये गांठ है, इस बच्चे को पिछले 4 साल से, 7 साल का बच्चा है, पिछले 4 साल से इसकी नाभि में एक गांठ थी अंदर, पेट काफी स्वेलिंग, बहुत सूजा हुआ था। ये इनकी माता जी है, बता रही कि स्वेलिंग आधी हो गई है और गांठ ये 1.5 साल से पैर में दर्द था और घुटने में बहुत दर्द था।